तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों टोटली आपका क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड परीक्षाओं का इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैं यहां से आपको बता रहा हूं। देखिएगा कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या इसमें 16 होगी और जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो यहाँ पर आपको अपने अनुक्रमांक यानी कि यहाँ पर अपने रोल नंबर यहाँ पर आपको लिख लेने हैं और यहाँ पर आपको अपना नाम भी लिख लेना है और आपके पेपर का कोड आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर आपको आपके पेपर का कोड देखने को मिल जाएगा और ये भी आपके पेपर का कोड है और देखिएगा 2023 की परीक्षाओं के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम देखेंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड परीक्षाओं का किस प्रकार का आएगा और इसके अलावा देखिएगा आपको इसमें पास होने के लिए क्या क्या करके आना पड़ेगा। देखिएगा समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके भूगोल विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। मगर प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सभी लोग अपनी भूगोल विषय के पेपर में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इनमें से मानव भूगोल का उपागम कौन सा नहीं है, तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है, इस मात्रात्मक क्रांति इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दी गई। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर भी आपका ख नंबर का होगा, डॉक्टर महबूल उल हक के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित देश में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा ख नंबर का जिसमें कि लिखा है डेनमार्क। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क नदियां नहर के किनारे होती है। देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपका ग नंबर का लिख लेना है। देखिएगा यहां से आप लोग लिख लें ग नंबर का, इसका उत्तर आ जाएगा रेकी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लिख लेना है घ नंबर का गोवा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से आप लोग लिख लें, इसका उत्तर आपका ख नंबर का आ जाएगा भोपाल। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। 7वें नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, इसका उत्तर आपका आ जाएगा तारापुर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। 8वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा यमुना। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लेंगे, ये आपसे अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग यहाँ से इनको देख लें। और देखिएगा पहले मैं आपको पूरे ये अति लघु उत्तरी प्रश्न बता देता हूँ और इसके बाद में फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ से सभी ये अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देख लें और इसके बाद में फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जरूर जाएँ क्योंकि आज मैं आपको पूरा आपका 20 फरवरी को जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं। देखिएगा इस जगह पर आपसे लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी के सभी आपके लघु उत्तरी प्रश्न लिखे हैं, आप लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और समझ लेंगे। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ और इसके बाद में फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, तो आप पूरा वीडियो देख कर जरूर जाएं। देखिएगा सभी के सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, अब चलिएगा हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा यहाँ से आपको इन प्रश्नों का सॉल्यूशन अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। देखिएगा इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लें। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मानव भूगोल की कोई एक मान्य परिभाषा लिखिए, तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये, मानव भूगोल के अर्थ को समझाइए और इसके अलावा मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। और आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा क्या लिखा है, रेड जेल का मानव भूगोल में योगदान बताइए। तो इतना आप लोग लिख लें इसको, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। या आप चाहे तो इतना आपको लें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लें। टोटली आप लोग पूरा भी इसको याद कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन ये, देखिएगा क्या लिखा है, मानव भूगोल एवं पर्यावरण संबंधी विचारधाराओं को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ से आप लोग इसको भी लिख लें, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। और आगे क्वेश्चन पूछा गया है, निश्चयवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से भी आप लोग इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। और इसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, लोगों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, ये जो लिखा गया है, लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है, भारत में लिंगानुपात किसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें आप लोग, देखिएगा क्या लिखा है, आश्रित जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को पूरा देख लेंगे और याद कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये, लिंगानुपात कैसे नापा जाता है, देखिएगा यहाँ से आप लोग टोटली देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग एक ये वाले प्रश्न को देख लें, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ से आप लोग टोटली इसको देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। टोटली इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये, यहाँ से देख लें क्या लिखा है, देखिएगा डेयरी फार्मिंग की चार विशेषताएँ आपको बतानी है। तो यहाँ से आप लोग डेयरी फार्मिंग की चार विशेषताओं को नोट कर लेंगे। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये, स्थानांतरणशील अथवा झूमिंग कृषि की चार विशेषताएँ, तो इसको भी आप लोग यहाँ से देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। इस प्रकार से आप सभी लोग इन प्रश्नों को याद कर लें अच्छे से। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आधुनिक युग में इंटरनेट के उपयोग का महत्व बताइए। तो यहाँ से आप लोग इंटरनेट के महत्व का उपयोग आप लोग नोट कर लेंगे। टोटली ये आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, उपग्रह संचार से क्या आशय है, भारत में उपग्रह संचार के लाभों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये, इसको भी देख सकते हो, अन्य संचार साधनों को गतिशील प्रदान करना, ये आपको यहाँ से इनको नोट कर लेना चाहिए। और इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को निर्धारित करने वाले कारक बताइए। तो यहाँ से आप लोग ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को निर्धारित करने वाले कारकों को नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये देखिएगा क्या लिखा है, गोचित एवं परिक्षिप बस्तियों में अंतर। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें और इसको भी याद कर लेंगे। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें जो कि मैंने आपको बताए हैं। आप सभी लोगों के लिए आपकी वार्षिक परीक्षा को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास में समय है तो आप इनके अलावा भी और कुछ प्रश्नों को पढ़ सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।